बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमतुल्स किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको मैंगो एवोकाडो सैलड। उसके लिए हमको ये चाहिए, ये बेबी टमाटोज ली मैं, एक एवोकाडो ली और एक आम ली। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले एवोकाडो को छील लेंगे और उसके क्यूब्स काट कर लेंगे, और आम है आम को भी छिलके इसके भी क्यूब्स काट लेंगे। ब्लैक पेपर है, ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं 1/4 टीस्पून का यूज करूंगी। ये ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और नमक है ये, अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हाफ लेमन का जूस मैं इसमें से 1 टेबलस्पून डालूंगी। और एक जलपिनो है, ये मिर्च हर जगह नहीं मिलती, अगर आपको मिले तो आप ठीक है, इसका हाफ डालिए, हाफ का पोर्शन, ये ज्यादा तेज नहीं रहती। नहीं तो जो रेगुलर हम चिल्ली यूज करते उसको हाफ चिल्ली को स्लिट करके उसके सीड्स निकाल के उसको एड करेंगे हम। चलिए ये सारी चीजों को हम कट कर लेंगे। एक बाउल ले ली मैं, उसके अंदर ये सब चीजों को ऐड कर दें। ये जो मिर्ची थी मैं आपको दिखाई थी, वो उसके बीज निकाल के इसको कट कर ली। आप ये इसके अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये नमक है, शक्कर और चिली फ्लेक्स, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, क्रश ब्लैक पेपर ऐड करेंगे थोड़ी सी, ये वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून। देखिए ये रेडी हो गया, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे आप इसको टेस्ट करके देखना, कोई भी चीज अगर आपको कम दिखी तो आप उसमें ऐड कर ले सकते हैं। और बनाकर देखिए, आपको पसंद आएगा जरूर। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज।